के साइज रिगार्डिंग इसमें जाली लगती है, फिर आपका फाइन माल बाहर निकल गया, इसमें जो बाकी के माल बचते हैं वो फिर से पल्वराइजर में चले जाते हैं, ग्राइंडर में चले जाते हैं। हमें रखना है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए इंपैक्ट पल्वराइजर जो है हमारा रनिंग कंडीशन में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इंपैक्ट पल्वराइजर देखिए, ये हॉपर है, हल्दी का साइज देखिए काफ़ी हैवी है और हल्दी जो है हमने जो है हॉपर में डाला हुआ है। यहाँ से आउटकम जो है बाहर निकलेगा आउटपुट, और ये प्रोडक्शन इसका 6-12 का चैम्बर है, प्रोडक्शन इसका 50 किलो पर आवर है। और 7.5 HP की मोटर है इसमें, 7.5 HP की मोटर है। नेक्स्ट प्रोसेस ये ग्राइंडर पल्वराइजर है, इसमें हम हर वो पत्तेदार मसाले को पीस सकते हैं कि जैसा हमने पहले ही बता चुका हूँ आपको। देखिए अभी हम धनिया को पल्वराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको हम दिखाएंगे कि मशीन का वर्किंग प्रोसेस क्या। ये हॉपर है और इसमें बेसिकली जाली लगी होती है, हमें किस साइज़ का प्रोडक्ट चाहिए उसके हिसाब से इसमें जाली होती है। और इसमें
5 HP की मोटर लगी हुई है, ठीक है, और इसमें आउटकम मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से आपको आउटपुट बाहर निकलेगा, यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा। ये कंप्लीट मशीन, दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे कि ये ग्राइंडर पल्वराइजर जो भी हमने दिखाया था प्रोसेस आपको चलते हुए रनिंग में, उसका आउटपुट दिखाएंगे कि कैसा आउटपुट फाइनल बाहर आया है। शर्मा जी थोड़ा सा आप आउटपुट दिखाइए प्लीज़। देखिए ये धनिया की क्वालिटी है, 0 नंबर की जाली से इसकी वजह से थोड़ी इसकी स्पीड भी कम थी। यदि आप यहाँ पर 1 नंबर की जाली लगाएंगे तो इसकी स्पीड डबल हो जाएगी, इसलिए डिमांड पे के हिसाब से आउटपुट के हिसाब से जालियाँ लगती हैं। जाली आप क्वालिटी देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ धनिया की क्वालिटी।